आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं या समुच्चय के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में जाना था, लेकिन उसके कुछ बात कुछ अवधारणाएं कुछ विचारधाराएं रह गई थी, उसी पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था तो आपको बता दें, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन। उसके बाद जो टॉपिक रह गए थे उस पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन। टॉपिक क्या है? साधन लागत पर। तो सबसे पहले जानना है कि साधन लागत होता क्या है। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए एक उत्पादक को अनेक सारे साधनों की जरूरत होती है। गलत या सही? सही है। किसी वस्तु को बनाने के लिए उत्पादक को अनेक सारे साधनों की जरूरत होती है, जरूरत पड़ती है। तो जिन साधनों का उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग करता है उस साधन का पारिश्रमिक तो देना पड़ेगा कि ना देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो उन साधनों का जो पारिश्रमिक होगा उसी को कहेंगे साधन लागत। गलत कि सही? साधन को कारखाना तक लाने में कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा कि ना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? साधन लागत पर सकल घरेलू। सकल घरेलू माने घर के अंदर वाला, माने देश के अंदर वाला उत्पादन अन्य वस्तु का बनाना क्या है। तो कहता है घरेलू सीमा में देश के निवासियों द्वारा। घरेलू सीमा मतलब देश के भौगोलिक सीमा। घरेलू सीमा का मतलब क्या हो गया? देश के भौगोलिक सीमा के निवासियों द्वारा मजदूरी, लागत, ब्याज, लाभ के रूप में अर्जित आय। माने अपने देश का निवासी कहीं ना कहीं काम करता है, चाहे वह खेती में काम करे या किसी कारखाना में काम करे या किसी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में काम करे, काम तो कहीं ना कहीं अवश्य करता है। तो ये कहता है कि काम करता है तो उसको मजदूरी मिलता है। अगर हम कच्चा माल देते हैं उसको लागत हमको देना पड़ता है। हम रुपया देते तो ब्याज मिलता है और जो उद्यमी होता है उसे क्या मिलता है? लाभ मिलता है के रूप में अर्जित आय। माने ब्याज के रूप में, मजदूरी के रूप में, लागत के रूप में, लाभ के रूप में अर्जित आय तथा पूंजी उपभोग मूल्य का योग। हमने जो पूंजी का प्रयोग किया है उस पूंजी का कुछ मूल्य होगा कि नहीं होगा? बैंक से कर्ज लेके हम कारोबार करते तो बैंक हमसे ब्याज लेता, लेकिन घर में अपना ही पूंजी था तो उस पूंजी का हम प्रयोग करते कि ना करते? तो पूंजी उपभोग के मूल्य के योग को क्या कहते हैं? साधन लागत पर नहीं, अपने साधनों से सामान को बनाते हैं, अपने साधन से सामान को। जैसे उदाहरण लो, हमने कारखाना खोला है। हमने क्या किया? एक कारखाना खोला। हमारे परिवार में मान लो 10 आदमी, एक मशीन लगाया। अब परिवार के 10 लोगों की सहायता से हमने वस्तु का क्या किया? निर्माण किया। बाहर से लेबर आता तो मजदूरी लेता कि ना लेता? तो जितना मजदूरी बाहर के लोगों को देते उतना मजदूरी तो घर का मेंबर देना पड़ेगा। बाहर से गन्ना खरीद के लाते तो कीमत देना पड़ता। अपना खेत में गन्ना है, हम अपने खेत के गन्ना का प्रयोग कर लिए मीठा बनाने में, गुड़ बनाने में, तो अपने खेत का उस गन्ना का कीमत जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो कहता देश के घरेलू सीमा में देश के निवासियों के द्वारा मजदूरी, लागत, ब्याज, लाभ के रूप में जो आय अर्जित की जाती है, जो धन अर्जित की जाती है और उसमें पूंजी के भोग मूल्य को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो उसे क्या कहेंगे? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन। शायद 2-2 नंबर का प्रश्न है, जितना समझा रहा हूँ जोड़ दूंगा सबको, तो क्या नंबर का हो जाएगा? 5 नंबर नहीं, 20 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 10-12 आते 6, 7, 8, 9, 10 को हो गया ना, 10-2 20,
साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। यहां एक और आ जाएगा, साधन लागत तो सकल है ना, तो एक और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन आ जाएगा। तो शुद्ध में क्या है, खिसावट व्यय को घटा दो। किसी वस्तु को बनाते हैं तो बनाने में कुछ खर्च होता है कि नहीं होता है? तो जो खर्च हुआ हर पोजीशन में, उस खर्च को क्या करो, निकालेंगे। तो घरेलू वाला में निकालोगे तो शुद्ध घरेलू हो जाएगा, और देश वाला में निकालोगे तो शुद्ध राष्ट्रीय हो जाएगा। घिसावट को केवल हर में माइनस कर देना है तो आपका शुद्ध हो जाएगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। देखिएगा तो घरेलू में देश के सीमा वाला होगा, राष्ट्रीय वाला में देश के सीमा वाला को भी जोड़ेंगे, और देश का जो लोग बाहर कमा रहा है उसकी शुद्ध इनकम को भी में क्या कर देंगे, क्योंकि जिस देश में काम करता है उस देश की सरकार उस व्यक्ति से टैक्स लेता है, तो टैक्स वाला रुपया तो अपने यहां नहीं आया उसको जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। और इसका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, तो कहता है एक लेखा वर्ष में, क्या है, एक लेखा वर्ष में। अब थोड़ा सा मेरा मन विचलित हो रहा है, पूछ दे तरुण खरम, भारत का लेखा वर्ष क्या है? ठीक है, वही कहा कि एक लेखा वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अर्जित कुल साधन आय के, अब कुल साधन आय में ही ना होगा मजदूरी लागत ब्याज लाभ, कुल साधन आय के कुल योग को तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग क्या कहलाता है। एक लाइन में अंतर समझना, देश के घरेलू सीमा में जो उत्पादन हुआ जो आय हुआ सबको जोड़ दिए तो क्या कहेंगे, साधन लागत पर, और देश के सीमा वाला जितना हो उसमें अगर विदेशों से जो शुद्ध आय प्राप्त होता उसको जोड़ दो तो क्या कहलाएगा। राष्ट्रीय में हमेशा एक बात रखने का, घरेलू कहेगा तो विदेशी वाला को माइनस कर देंगे, घरेलू कहे तो उसमें विदेशी वाला शामिल, राष्ट्रीय कहे तो घरेलू प्लस बाहरी, ये बात याद रखता है। अगर कुल कहे उसमें खिसावट को नहीं घटाना है, अगर कुल कहे तो उसमें जो भी खिसावट है उसको शामिल घटाना नहीं है बल्कि जोड़ लेना है, और शुद्ध कहे तो वस्तु को बनाने में जो लागत लगा है जो खर्चा हुआ है खर्चा को हटा दो तब जो रह गया उसको शुद्ध कर दो। इतना अंतर जाने का तो दिक्कत नहीं होगा। कभी भी सकल घरेलू का है तो देश के सीमा के अंदर वाला जोड़ना है, विदेशी वाला को साइड कर देना है। राष्ट्रीय का है तो देश में जो आमदनी होती है उसको और जो विदेश से आमदनी प्राप्त होता है उसको जोड़ देना। तीसरी, अगर शुद्ध घरेलू का है तो घरेलू आय में से घिसावट है मैंने खर्चा को निकाल दो तो क्या हो जाएगा, शुद्ध घरेलू। शुद्ध राष्ट्रीय का है तो जो बाहर वाला जो रहता है खर्चा करता है उसको हटा दो, और देश में जो आमदनी हुआ उसमें भी टैक्स वगैरह में रुपया खर्चा जाता है, मजदूर को मजदूरी देना पड़ता है, बैंक को ब्याज देना पड़ता है, भवन का किराया देना पड़ता है, कुछ मशीन के नाम पर भी बैंक में खाता खोलना होता है कि अचानक मशीन में 2 करोड़ लागत लग गया कहां से आएगा, तो उसको भी घटा देंगे तो क्या बनेगा, शुद्ध बनेगा। अब है निजी आय क्या है, निजी मेरा खुद का आपका खुद का निजी आय, तो एक व्यक्ति को निजी स्रोत से जो आमदनी प्राप्त होती है गोपनीय होता है, नहीं गलती की सही, सरकार से लोग तो फुलसे हो गया, सरकार के सरकार ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा, तो क्या कहा निजी आय क्या है, तो व्यक्ति को निजी स्रोत से, एक व्यक्ति को निजी स्रोत से जो आय की प्राप्ति होती है जो धन की प्राप्ति होती है उसे क्या कहेंगे, निजी आय के नाम से। एक व्यक्ति को निजी स्रोत से जो धन की प्राप्ति होती है उसे क्या कहेंगे, निजी आय के नाम से। दूसरा है व्यक्तिगत आय क्या है,
व्यक्तिगत का मतलब व्यक्ति का, और व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का। तो एक वित्तीय वर्ष में क्या है? एक वित्तीय वर्ष में उन्नति कर खड़ा हो। भारत का वित्तीय वर्ष बताओ। थोड़ा भी कमजोर हो साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स ना ले, बार बार बोलता हूं, स्कूल के मास्टर तक दे मनवा से लिख दिया, उसको पढ़ना थोड़ी ना, उसको खुद भी नहीं पता है कौन प्रैक्टिकल है कौन प्रैक्टिकल नहीं। कहेगा म्यूजिक ले लो, क्योंकि उसको 500 बन जाता है प्रैक्टिकल के नाम पर। उसको आपके विषय से मतलब नहीं, उसको अपने 500 रुपया से मतलब। जैसे प्रैक्टिकल के लिए जाओगे, आप तीन को विषय प्रैक्टिकल है तो आप याद कर लो, पापा जी को पहले से मनाना पड़ेगा, पिताजी पिताजी भी मजबूर है, क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है, आपको देना पड़ेगा प्रति विषय 500 फिक्स है। प्राइवेट में तो चक्कू को लीट देगा, कहेगा रेत के धीरे धीरे कटको देते रेत के, अब बहुत चक्कू से चक्कू को लीट के सीधा नहीं करते बैठ जाइए। उस दिन भी बहुत बड़ा चर्चा हुई, आज भी एक छात्र ने उत्तर दिया है, कल भी आपने फर्क बताया था, गलत की सही, और नहीं हुआ तो हो गया ना, खड़ा हुआ कहा कि व्यक्तिगत आय क्या है, तो यहाँ लिखा है एक वित्तीय वर्ष में। यह वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? एक अप्रैल से 31 मार्च की जो बीच की अवधि होती है उसको वित्तीय वर्ष अंग्रेजी में फाइनेंशियल ईयर या लेखा वर्ष, क्योंकि इतने दिन के अंदर सरकार का परीक्षा बनता है और फिर नया चेंज करना होता है। व्यक्तिगत आय क्या है? तो एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त आय, सबको मतलब आपके बाबूजी का मान लीजिए, तो आपके बाबूजी भी 1 अप्रैल से लेकर अगला साल 31 मार्च तक कुछ ना कुछ तक कमाते होंगे, तो जितना कमाते होंगे तो अलग अलग स्रोतों से, उन सारे को जोड़ दिया जाए तो क्या कहेंगे? व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत आय कहलाए। नहीं लग तो रहा है सेम है, लेकिन इन्हें सरकारी क्षेत्र वाला भी शामिल कर लेंगे, वहां स्पष्ट लिखा है व्यक्ति को निजी स्रोत से। सरकारी नौकरी के अलावा आपका किराना दुकान भी होगा, दूध का दुकान भी होगा, खटाल भी होगा, मशरूम घर में पैदा कर लेते होंगे, गलत है सर? कुछ ब्याजों पर रुपया गाँव में, हाँ सब निजी वाला है। इसमें कितना के पिताजी है जो खूब 5 रुपये 6 रुपये सही करा 10 रुपये लगाते हो, गलत की सही? तो प्रश्न क्या हो गया? व्यक्तिगत आय क्या है, बात को समझ गए? आय मैंने बोला है, बचत नहीं बोला है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? प्रयोग करने के लायक, प्रयोज्य मतलब प्रयोग करने के। क्या व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि आप जितना कमाते हैं उसमें से सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है। अगर आप किसी लिमिटेड कंपनी में हैं तो आपकी आमदनी का कुछ हिस्सा सरकार काट लेती है कि भविष्य में आपको उसी से पेंशन वगैरह दिया जाएगा, दोनों अंतर है। यहां पूरा आय की बात करता है, टैक्स घटाने की बात नहीं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है, पूछा गया प्रश्न है टैक्स काट के, इकोनॉमिक्स में प्रश्न पूछा गया है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? एक व्यक्ति के आय का वह भाग जो सरकार को कर के भुगतान के बाद बच जाता है। भाई सरकार को टैक्स दे देंगे रहेगा, उन आपका हुआ, अब वो आप ईमानदारी से फैली से क्या 4 रुपये पोलोथिन दुकान में से लेके खड़े जा सकते हैं, सरकार आपको वहां रोकेगी नहीं। तो एक व्यक्ति की आय का वह भाग जो सरकार को कर के भुगतान के बाद रह जाता है, गलत की सही? आप पैसे किनके किनके पिताजी टैक्स देते हैं ईमानदारी से, इनकम टैक्स बोला आय कर, ऐसे तो सब कहेगा कि हम देते हैं, यहाँ तो नमक खरीदा फिर भी दे दिया ना, आमदनी पर कौन देता है? अच्छा एक पिताजी टैक्स देते इनकम टैक्स कथी करते भैया,
काहे छोड़ दे और ठिकाने वो खा लेता हाथ लोग बोल सर खाद और बालू सीमेंट का दुकान है तो मजबूरी है देना मजबूरी है देना महावीर जी के तो ओ महावीर जी साइकिल की दुकान है आते हैं दस तेरह के दिन साइकिल लेकर आते मॉर्निंग वॉक के लिए सॉरी हमारे सारे बच्चे बात को समझ गए राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय राष्ट्र के प्रयोग का है राष्ट्रीय आय तो अलग बात हो गया राष्ट्रीय माने सब आमदनी कोई खर्चा नहीं घटा वहां पर राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है तो देश की बाजार कीमत पर वह शुद्ध आय जो सरकार के खर्च के लिए भाई सरकार भी कहीं से टैक्स जमा करवाने जाती है तो टैक्स वसूलने के लिए कर्मचारी को बहाल किया है उसका वेतन देगी कि ना देगी कि बड़का बड़का भवन है सबका किराया देगा कि ना देगा सरकार को भी बिजली बिल देना पड़ता है गलत है सही हर डिपार्टमेंट का देना पड़ता है तो देश की बाजार कीमत पर वह शुद्ध आय मैंने खर्चा वर्चा घटाने के बाद जो बचती है क्या कहते हैं शुद्ध जो सरकार को इसके लिए खर्च करने के लिए शिक्षा पर इतना चिकित्सा पर इतना सड़क पर इतना सुरक्षा पर इतना खर्च करेंगे उसे क्या कहेंगे हम राष्ट्रीय परियोजना आय के नाम से तो आइए समय है मेरे पास अब हम लोग थोड़ा सा कुछ आंकिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं या समुच्चय के बारे में चर्चा करेंगे हालांकि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में जाना था लेकिन उसके कुछ बात कुछ अवधारणाएं कुछ विचारधाराएं रह गई थी उसी पर चर्चा करेंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था तो आपको बता दें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन उसके बाद जो टॉपिक रह गए थे उस पर चर्चा करेंगे आज का पहला प्रश्न है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन टॉपिक क्या है साधन लागत पर तो सबसे पहले जानना है कि साधन लागत होता क्या है तो किसी वस्तु को बनाने के लिए एक उत्पादक को अनेक सारे साधनों की जरूरत होती है गलत या सही सही किसी वस्तु को बनाने के लिए उत्पादक को अनेक सारे साधनों की जरूरत होती है जरूरत पड़ती है तो जिन साधनों का उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग करता है उस साधन का पारिश्रमिक तो देना पड़ेगा कि ना देना पड़ेगा देना पड़ेगा तो उन साधनों का जो पारिश्रमिक होगा उसी को कहेंगे साधन लागत गलत कि सही साधन को कारखाना तक लाने में कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा कि ना पड़ेगा चुकाना पड़ेगा तो क्या कहेंगे साधन लागत पर सकल घरेलू माने घर के अंदर वाला माने देश के अंदर वाला उत्पादन माने वस्तु का बनाना क्या है तो कहता है घरेलू सीमा का मतलब क्या हो गया देश के भौगोलिक सीमा के निवासियों द्वारा मजदूरी लागत ब्याज लाभ के रूप में अर्जित आय माने अपने देश का निवासी कहीं ना कहीं काम करता है चाहे वह खेती में काम करे या किसी कारखाना में काम करे या किसी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में काम करे काम तो कहीं ना कहीं अवश्य करता है तो ही कहता है कि काम करता है तो उसको मजदूरी मिलता है अगर हम कच्चा माल देते हैं उसको लागत हमको देना पड़ता है हम रुपया देते तो ब्याज मिलता है और जो उद्यमी होता है उसे क्या मिलता है लाभ मिलता है के रूप में अर्जित आय
माने ब्याज के रूप में, मजदूरी के रूप में, लागत के रूप में, लाभ के रूप में अर्जित आए, तथा पूंजी उपभोग मूल्य का योग। हमने जो पूंजी का प्रयोग किया है उस पूंजी का कुछ मूल्य होगा कि नहीं होगा। बैंक से कर्ज लेके हम कारोबार करते तो बैंक हमसे ब्याज लेता, लेकिन घर में अपना ही पूंजी था तो उस पूंजी का हम प्रयोग करते कि ना करते। तो पूंजी उपभोग के मूल्य के योग को क्या कहते हैं? साधन लागत पर नहीं, अपने साधनों से सामान को बनाते हैं, अपने साधन से सामान को। जैसे उदाहरण लो, हमने कारखाना खोला है, हमने क्या किया, एक कारखाना खोला। हमारे परिवार में मान लो 10 आदमी, एक मशीन लगाया, अब परिवार के 10 लोगों की सहायता से हमने वस्तु का क्या किया, निर्माण किया। बाहर से लेबर आता तो मजदूरी लेता कि ना लेता? तो जितना मजदूरी बाहर के लोगों को देते उतना मजदूरी तो घर का मेंबर देना पड़ेगा। बाहर से गन्ना खरीद के लाते तो कीमत देना पड़ता। अपना खेत में गन्ना है, हम अपने खेत के गन्ना का प्रयोग कर लिए मीठा बनाने में, गुड़ बनाने में, तो अपने खेत का उस गन्ना का कीमत जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो कहता देश के घरेलू सीमा में, देश के निवासियों के द्वारा मजदूरी, लागत, ब्याज, लाभ के रूप में जो आय अर्जित की जाती है, जो धन अर्जित की जाती है, और उसमें पूंजी के भोग मूल्य को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन। शायद 2 नंबर का प्रश्न है, जितना समझाऊंगा हूं जोड़ दूंगा सबको, तो क्या नंबर का हो जाएगा? 5 नंबर नहीं, 20 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 10-12 आते, 6, 7, 8, 9, 10 को हो गया ना, 10 गुना 20। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, यहां एक और आ जाएगा, साधन लागत पर सकल है ना, तो एक और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन हो जाएगा। तो शुद्ध में क्या है कि सावट व्यय को घटा दो। किसी वस्तु को बनाते हैं तो बनाने में कुछ खर्च होता है कि नहीं होता है? तो जो खर्च हुआ हर पोजीशन में, उस खर्च को क्या करो, निकालेंगे। तो घरेलू वाला में निकालोगे तो शुद्ध घरेलू हो जाएगा, और देश वाला में निकालोगे तो शुद्ध राष्ट्रीय हो जाएगा। घिसावट को केवल हर में माइनस कर देना है तो आपका शुद्ध हो जाएगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, देखिएगा तो घरेलू में देश के सीमा वाला होगा, राष्ट्रीय वाला में देश के सीमा वाला को भी जोड़ेंगे, और देश का जो लोग बाहर कमा रहा है उसकी शुद्ध इनकम को भी में क्या कर देंगे, क्योंकि जिस देश में काम करता है उस देश की सरकार उस व्यक्ति से टैक्स लेता है, टैक्स वाला रुपया तो अपने यहां नहीं आया, उसको जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। और इसका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, तो कहता है एक लेखा वर्ष में, क्या है, एक लेखा वर्ष में। अब थोड़ा सा मेरा मन विचलित हो रहा है, पूछ दे तरुण खरम, भारत का लेखा वर्ष क्या है? ठीक है, वही कहा कि एक लेखा वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अर्जित कुल साधन आय के, अब कुल साधन आय में ही ना होगा, मजदूरी, लागत, ब्याज, लाभ, कुल साधन आय के कुल योग को, तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग क्या कहलाता है? एक लाइन में अंतर समझना, देश के घरेलू सीमा में जो उत्पादन हुआ, जो आय हुआ, सबको जोड़ दिए तो क्या कहेंगे, साधन लागत पर। आदेश के सीमा वाला जितना हो उसमें अगर विदेशों से जो शुद्ध आय प्राप्त होता उसको जोड़ दो तो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय में हमेशा एक बात रखने का, घरेलू कहेगा तो विदेशी वाला को माइनस कर देंगे, घरेलू कहे तो उसमें विदेशी वाला शामिल, राष्ट्रीय कहे तो घरेलू वाला से बाहरी, ये बात याद रखना है। अगर कुल कहे उसमें खिसावट को नहीं घटाना है, अगर कुल कहे तो उसमें जो भी खिसावट है उसको शामिल घटाना नहीं है बल्कि जोड़ लेना है, और शुद्ध कहे तो वस्तु को बनाने में जो लागत लगा है, जो खर्चा हुआ है, खर्चा को हटा दो तब जो रह गया उसको शुद्ध कर दो। इतना अंतर जाने का तो दिक्कत नहीं होगा। कभी भी सकल घरेलू कहे
तो देश के सीमा के अंदर वाला जोड़ना है, विदेशी वाला को साइड कर देना है। राष्ट्रीय कहे तो देश में जो आमदनी होती है उसको, और जो विदेश से आमदनी प्राप्त होता है उसको जोड़ देना। तीसरी, अगर शुद्ध घरेलू कहे तो घरेलू आय में से घिसावट में मैंने खर्चा को निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध घरेलू। शुद्ध राष्ट्रीय कहे तो जो बाहर वाला जो रहता है खर्चा करता उसको हटा दो, देश में जो आमदनी हुआ उसमें भी टैक्स वगैरह में रुपया खर्चा जाता है, मजदूर को मजदूरी देना पड़ता है, बैंक को ब्याज देना पड़ता है, भवन का किराया देना पड़ता है, कुछ मशीन के नाम पर भी बैंक में खाता खोलना होता है कि अचानक मशीन में 2 करोड़ लागत लग गया, कहां से आएगा? तो उसको भी घटा देंगे तो क्या बनेगा? शुद्ध बनेगा। अब है निजी आय क्या? निजी मेरा खुद का, आपका खुद का निजी आय। तो एक व्यक्ति को निजी स्रोत से जो आमदनी प्राप्त होती है गोपनीय होता है, नहीं गलती की सही, सरकार से लोग से तो फुलसे हो गया कि सरकार के, सरकार ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा, तो क्या कहा? निजी आय क्या है? तो व्यक्ति को निजी स्रोत से, एक व्यक्ति को निजी स्रोत से जो आय की प्राप्ति होती है, जो धन की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहेंगे? निजी आय के नाम से। एक व्यक्ति को निजी स्रोत से जो धन की प्राप्ति होती है उसे क्या कहेंगे? निजी आय के नाम से। दूसरा है व्यक्तिगत आय क्या है? व्यक्तिगत का मतलब है व्यक्ति का, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का। तो एक वित्तीय वर्ष में क्या है? एक वित्तीय वर्ष में उन्नतिकर खड़ा हो, भारत का वित्तीय वर्ष बताओ, थोड़ा भी कमजोर हो साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स ना ले, बार बार बोलता हूं, स्कूल के मास्टर तक दे मनवा से लिख दिया, उसको पढ़ना थोड़ी ना, उसको खुद भी नहीं पता है कोना प्रैक्टिकल है कोना प्रैक्टिकल नहीं। कहेगा म्यूजिक ले लो, क्योंकि उसको 500 बन जाता है प्रैक्टिकल के नाम पर, उसको आपके विषय से मतलब नहीं, उसको अपने 500 रुपया से मतलब। जैसे प्रैक्टिकल के लिए जाओगे, आप 3 गो विषय प्रैक्टिकल है तो आप याद कर लो, पापा जी को पहले से मनाना पड़ेगा, पिताजी पिताजी भी मजबूर है क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है, आपको देना पड़ेगा प्रति विषय 500 फिक्स है, प्राइवेट में तो चौकू को लीट देगा, कहेगा रेत के धीरे धीरे कटबू देते रेत के, अब बहुत चक्कू से चक्कू को उलीट के सीधा निकल गई बैठ गई। उस दिन भी बहुत बड़ा चर्चा हुई, आज भी एक छात्र ने उत्तर दिया है, कल भी आपने फर्क बताया था, गलत की सही, और नहीं हुआ तो हो गया ना, खरा हुआ। कहा कि व्यक्तिगत आय क्या है, तो यहाँ लिखा है एक वित्तीय वर्ष में, या वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो बीच की अवधि होती है उसको वित्तीय वर्ष, अंग्रेजी में फाइनेंशियल ईयर या लेखा वर्ष, क्योंकि इतने दिन के अंदर सरकार का बही खत्म होता है और फिर नया चेंज करना होता है। व्यक्तिगत आय क्या है? तो एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त आय, सबको मतलब आपके बाबूजी का मान लीजिए, तो आपके बाबूजी भी 1 अप्रैल से लेकर अगला साल 31 मार्च तक कुछ ना कुछ तक कमाते हो, तो जितना कमाते होंगे तो अलग अलग स्रोतों से, उन सारे को जोड़ दिया जाए तो क्या कहेंगे? व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत आय कहलाए। नहीं लग तो रहा है सेम है, लेकिन इन्हें सरकारी क्षेत्र वाला भी शामिल कर लेंगे, वहां स्पष्ट लिखा है व्यक्ति को निजी स्रोत से। सरकारी नौकरी के अलावा आपका किराना दुकान भी होगा, दूध का दुकान भी होगा, खटाल भी होगा, मशरूम घर में पैदा कर लेते होंगे, गलत है सही? कुछ ब्याजों पर रुपया गांव में, हाँ वो सब निजी वाला है, इसमें कितना के पिताजी हो जो खूब 5 रुपये 6 रुपये सही करा 10 रुपये लगाते हो, गलत की सही? तो प्रश्न क्या हो गया? व्यक्तिगत आय क्या है, बात को समझ गए?
आय मैंने बोला है, बचत नहीं बोला है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? प्रयोग करने के लायक। प्रयोज्य मतलब प्रयोग करने के लायक। क्या व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उसमें से सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है। अगर आप किसी लिमिटेड कंपनी में हैं, तो आपकी आमदनी का कुछ हिस्सा सरकार काट लेती है कि भविष्य में आपको उसी से पेंशन वगैरह दिया जाएगा। दोनों अंतर है। यहाँ पूरा आय की बात करता है, टैक्स घटाने की बात नहीं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है, पूछा गया प्रश्न है टैक्स काट के। इकोनॉमिक्स में प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? एक व्यक्ति के आय का वह भाग जो सरकार को कर के भुगतान के बाद बच जाता है। भाई सरकार को टैक्स दे देंगे रहेगा, उन आपका हुआ। अब वो आप ईमानदारी से फैली से क्या चार गो पोलोथिन दुकान में से लेके खरीदा सकते हैं, सरकार आपको वहां रोकेगी नहीं। तो एक व्यक्ति के आय का वह भाग जो सरकार को कर के भुगतान के बाद रह जाता है, गलत की सही? आप पैसे किनके किनके पिताजी टैक्स देते हैं? ईमानदारी से इनकम टैक्स बोला, आयकर। ऐसे तो सब कहेगा कि हम देते हैं, यहाँ तो नमक खरीदा फिर भी दे दिया ना, आमदनी पर कौन देता है? अच्छा एक पिताजी टैक्स देते हैं इनकम टैक्स, कथी करते भैया कहे छोड़ दे और ठिकानी वो खा लेता हाथ लोग बोल सर खाद और बालू सीमेंट का दुकान है। हाँ तो मजबूरी है देना, मजबूरी है देना। महावीर सिंह के तो ओ महावीर जी साइकिल की दुकान है, आते हैं दस तेरह के दिन साइकिल लेकर आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। क्या सॉरी हमारे सारे बच्चे बात को समझ गए। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय तो राष्ट्र के प्रयोग का है। राष्ट्रीय आय तो अलग बात हो गया, राष्ट्रीय माने सब आमदनी, कोई खर्चा नहीं घटा वहां पर। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है? तो देश की बाजार कीमत पर वह शुद्ध आय जो सरकार के खर्च के लिए, भाई सरकार भी कहीं से टैक्स जमा करवाने जाती है तो टैक्स वसूलने के लिए कर्मचारी को बहाल किया है, उसका वेतन देगी कि ना देगी, बड़का बड़का भवन है सबका किराया देगा कि ना देगा, सरकार को भी बिजली बिल देना पड़ता है, गलत है सही? हर डिपार्टमेंट का देना पड़ता है। तो देश की बाजार कीमत पर वह शुद्ध आय और खर्चा वर्चा घटाने के बाद जो बचती है शुद्ध, क्या कहते हैं शुद्ध, जो सरकार को इसके लिए खर्च करने के लिए शिक्षा पर इतना, चिकित्सा पर इतना, सड़क पर इतना, सुरक्षा पर इतना खर्च करेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के नाम से। तो आइए समय है मेरे पास, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ आंकिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे।